अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब? तो आपने यार मुझे बुलाया अभी अभी, मैं ना दूसरे घर में था तो आपने दोस्त के पास था, तो उसने कहा यार अभी अभी ना मुझे एक ऐसी बकरी नजर आई है ना जो कि ना बहुत ही प्यारी भी है और उसकी खासियत भी है। वो तो आप ऐसी बकरी कब से ढूंढ रहा था कि भाई जो जल्द से जल्द बच्चा दे दे, मतलब हमें ज्यादा उसकी जो है ना केयर इतनी ज्यादा ना करनी पड़े, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा जो है ना मिस्टेक्स भी हो जाती है इस मामले में। तो हमने क्या बनी बनाई हमें जो है ना मिल जाए माँ, तो क्या ही बात है। तो अभी हम जा रहे हैं उस साइड पर, यहाँ से गांव से बीच में से निकलेंगे, फिर शॉर्टकट निकाल के जल्द से जल्द उसके पास पहुँचना है, क्योंकि भाई पता नहीं चलता है ऐसे इन चीज़ों का कि कब चली जाए। ठीक है, डील शील हो जाती है, अच्छी चीज़ जल्दी देर नहीं रहती। तो चलो यार। तो यार इधर होता है तुराप, मेरे ख्याल में ये बंद है। हेलो तुराप, यार मुझे बुला लिया इसने, खुद घूमो गया, ये तो गलत बात है यार। चलो यार वेट करते हैं उसका। क्या सीन है, मिली है बकरी? कहाँ है? नहीं भाई वो सही नहीं थी बकरी। फिर मुझे क्यों बुलाया? उस टाइम हम देखने जा रहे थे, मैंने तुम्हें बोल दिया था हम जा रहे हैं, तो अब यार जा रहे हैं ना सिद्धा। अच्छा, अभी जा रहे हैं? उसकी तरफ बड़े बड़े सीन थे यार, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। अच्छा अच्छा, मैंने तो उसको कह दिया भाई मैंने नहीं लेनी है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो बच्चे देने वाले थे सिद्धा। अच्छा। वो तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर बच्चे दे देती, वो भी ले लेते यार, क्या हमारे के जा रहे यार। लेकिन वो अजीब, उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, तो मैंने स्किप कर दिया और एक जगह पर और है, फिर वहाँ चलते हैं। चलो यार तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां पर हमने ना बकरी लेनी है, और मैंने जो सोचा है कि यार इस दफा जो हम बकरी ना वो बच्चे देने वाली हो, मतलब बच्चे देने के करीब हो। तो एक जगह पर हमने देखा, वो हमें पसंद नहीं आई। अब जहां पर आए हैं ना, यहां पर भाई ने बोला कि हमारे पास एक बकरी है जो 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर बच्चे भी दे देगी, तो हम वो बकरी देखेंगे। और यहां पर हम आ चुके हैं अभी सिप्तैन। यार नहीं करो वो, डर जाएगी सिप्तैन, नहीं करो यार। आ रही है वो यार, उसकी आंखें तो देखो गुस्से से लाल हो रही है भाई। वो ये तो गन्ने है, शुगर केन ब्रो। तोड़ू? तोड़ दो, ये कच्चे लग रहे हैं मुझे अभी। पक्के वाले ढकते हैं, यहाँ पे अंदर होंगे। चलो चलो चलो, ध्यान से देखना। तो यार मैं इधर जाता हूँ और गन्ना जो है ना तोड़ता हूँ, बल्कि उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ अंकल से। तो आप यार पूछना सर, अंकल जी ये गन्ने तोड़ सकते हैं हम? हाँ जी तोड़ सकते हैं। ठीक है, सारे तोड़ दूँ? हाँ। देखता हूँ कि खाने वाले हैं कि नहीं है। तो यार अंदर जाता हूँ, इसमें सांप वगैरह ना हो, बस अंदर जाते हैं यार। ये मुझे पक्के लग रहे हैं, हाँ ये वाला पक्का लग रहा है, मैं एक तोड़ देता हूँ यार। हाँ डरा दिया यार, क्या हुआ बाहर आने तो? क्यों यार, मुझे कबूतर नजर आए, वो देख ले। अबे कबूतरों को छोड़ो, गन्ने खाने हमने, कबूतर भाई सारे नहीं। ये देखो ये पक्का हुआ है, कबूतर भी देखते हैं यार। एक मिनट यार मैं चेक करता हूँ, सही है यार, फीका नहीं है इतना, थोड़ा थोड़ा फीका है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है। चले चलते हैं आप, ये वाला मीठा है यार, काफ़ी मीठा ही है भाई, कच्चा वच्चा नहीं है ये, ठीक है। ये शुगर फ्री गन्ना है। यहाँ पर देखें कबूतरों का घर भी है, और यहाँ पर इस बड़े से घर में सिर्फ और सिर्फ 6 कबूतर हैं, ज़्यादा नहीं है। और मैं खुद सोच रहा हूँ कि यार इतना बड़े से डरबे में सिर्फ 6 कबूतर क्यों रखे हुए होंगे, लेकिन ये आरजी घर है यार, बारिश वगैरह इनको तंग करती होगी। थोड़ी उतार की छोटे से डरबे में तुमने इतने रखे हुए ना, इस वजह से तुम्हें लग रहा है ये बड़ा होना चाहिए। यार ये तो 6 कबूतरों के लिए बहुत ही छोटा है सिप्तैन, क्या हो गया यार? हाँ, ये भी है। देखो ना बहुत छोटा है, लेकिन यार 6 कबूतर है, नस्ल का मुझे नहीं पता भाई। तो अभी दोस्तों हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से बकरी आए, हम देखें और डन करें और लेकर चले जाए। अभी बस इंतजार है सिर्फ बकरी आने का। माशाल्लाह, इसके अंदर तो कितने बच्चे होंगे? तो यार ये बकरी है जो हम लेना चाहते हैं, बस ले ही लेते हैं यार, बाकी बात साथ करते हैं हम, जब डील डन हो जाएगी ना फिर आपको बताएंगे कि ले लिए। यार अभी ना इस बकरी के पाँव की ना सेटिंग कर रहे हैं हम, थोड़ा सा जैसे ना एक्स्ट्रा आ जाता है ना, जैसे हम नाखून काटते हैं ना, ऐसे ही बकरियों के नाखून होते हैं वो काटे जाते हैं, इनसे इनको ना तकलीफ नहीं होती, बल्कि इनके फायदे के लिए होता है ये। तो ये अभी काट रहे हैं, यहाँ से चलने में भी आसानी होती है इनको, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा काम इस तरह से, घोड़े के जैसे करते। हाँ बिल्कुल घोड़े की तरह है ये, उसका थोड़ा मुश्किल होता है करना, लेकिन बकरी का जल्दी से हो जाता है। चलें जी, हो गया यार, ये काम भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, हमसे ना होता तो भाई को आता था, तो उन्होंने कहा मैं कर देता हूँ। ठीक है ओके, चलते हैं यार, ले लिए डन। चलो जी ले चलते हैं यार, इसको बिठाओ यार, इसकी सेटिंग बनाओ, इसको तकलीफ नहीं देनी हमने, अगर कोई प्रॉब्लम हुई ना इसके अंदर जो है ना वो उनको नुकसान हो सकता है। ठीक है, बहुत ही एहतियात से यार बिठाना पड़ेगा इसको,
मैं तो कहता हूँ जो अलादीन वाली कालीन नहीं होती उस पर बिठाते हैं इसको और सीधा इसको अपने घर पहुँचा देते हैं। इतना इसकी केयर करने का दिल कर रहा है आराम से। हाँ हाँ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। यार अभी अभी मैंने देखा वहां पर बच्चे ना मछलियों को पकड़ रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने एक फाउंटेन में ना एक बड़ी सारी मछली रखें जो कि एक यूनिक फिश हो और हम इन बच्चों से पूछते हैं कि क्या ये मछलियां पकड़ रहे हैं, इनके पास कोई मछली आई है हाथ में या नहीं आई। देखें यार कितना बड़ा जाला लगाया हुआ है वहां पर सामने देखें। ओए होए 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 ये देखो दोस्तों। और हम पूछते हैं यार मछली है मछली कोई कहाँ है। हाँ यार वो है यार उस जाल में ना दो मछलियाँ फंसी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक वो है और एक इस जगह पर है। ये देखें ये पानी में ना लहरा रही है। ओए होए होए बच्चा कह रहा है कि उसने पकड़ी हुई है। उससे पूछता हूँ कहाँ पर है वो कहाँ पर है यार मछलियाँ। ओए यार ये देखो कितना क्यूट, ये तो मर गई हैं यार, हमने तो जिंदा लेनी थी। जिंदा है आपके पास जिंदा मछलियाँ? जिंदा मर गई है ये। ओहो हो 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 अच्छा मतलब ये खाने के लिए तुम लोग पकड़ते हो, मैं समझ रहा था कि पालने के लिए पकड़ रहे हो। पालते नहीं हो आप मछलियाँ? ये वाले जिंदा है। ओए यार उधर से पैन बुला रहे हैं मुझे, कह रहा है कि मछली आई है हाथ में। हाँ मछली पकड़ी है यार। ओए यार माशाल्लाह दिखा। ओए यार इसको हाँ इसको फाउंटेन में डालेंगे। पानी है कोई बच्चे आपके पास? पानी शॉपर कोई शॉपर नहीं, फाउंटेन 4 घंटे का सफर करना है हमने पागल। फिर शॉपर में रहेगी ना मछली? है यार मरती नहीं, अगर हम फाउंटेन में इसको छोड़े तो ये जिंदा रहेगी। अभी मर जाएगी पानी में उसके पास। यार इसका कुछ करो, इसको पकड़ो जरा। तुम बस इन्होंने अपने शॉपर का बंदोबस्त नहीं हो सकता क्या? इससे इसने अभी पकड़ा है, इससे तुम पकड़ो नीचे करके ना, तुम्हारे हाथ भी लंबे आराम से पकड़ लोगे। देख रहे हो मछलियाँ? एक मिनट वो देखें वहाँ पे फंसी हुई हैं मछलियाँ, उधर भी हैं, तो यहाँ से फटक रही हैं, ऐसे से ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इससे पकड़ सकते हैं हम। मुझे बड़ा शौक है यार फिशिंग करने का। ये देखें वो मछली उसने अभी फेंकी है, वापस क्यों फेंकी है? ज़्यादा मछलियाँ होगी इसलिए। अबे यार इधर से निकल रही हैं, तुम क्या कर रहे हो? देखें यार पानी का कितना ज़्यादा प्रेशर है, इसमें बंदा आ गया ना बचना नहीं है उसने। चलो यार मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, हमने कहा इधर भी मछलियाँ फिर रही हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओए गिर ना जाऊँ यार। पकड़ी है? नहीं देख रहा हूँ अभी। ओए भाई हमारे हाथ में नहीं आने वाली ऐसे, जब तक पूरे हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होंगे ना हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो हम यहाँ से जा रहे हैं यार खाली हाथ। हमारा प्रॉपर प्लान नहीं था यहाँ आने का, ऐसे अचानक हमें नजर आया तो हमने कहा चलो यार देख लेते हैं। लेकिन जब हम अगली दफा आएंगे ना यहाँ पर जाले वाले लेके आएंगे ताकि हम पकड़ सकें मछलियाँ। और मैं ना चाहता था कि हम फाउंटेन में कोई ऐसी मछली पकड़े, लेकिन वो मरी हुई है सारी। और इधर कोई शॉपर नहीं है जिसमें हम पानी डाल के ना मुल्तान लेकर जाएं, बहुत दूर हो जाएगा। अभी है वो शॉपर यहाँ पर बस्ती है सारी, इधर कोई दुकान भी नहीं आसपास। तो हमने सोचा यार ऐसे लेना तो फजूल है, फिर वो बेचारी मर जाएगी। सही तो हम अभी जाते हैं यार आओ। चलो तो अभी दोस्तों हम वापस जा रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि यार हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं आए थे, नहीं तो कुछ मछलियाँ मैं अपने फाउंटेन के लिए लाजमी लेकर जाता, मेरा बहुत दिल कर रहा था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था जिसमें हम वो वाली मछलियाँ पकड़ के पानी में डाल देते, वहाँ पर कोई दुकान नहीं थी, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो फिलहाल दोस्तों हम जा रहे हैं इस बकरी को उसी जगह पर छोड़ेंगे जहाँ पर हमारी बाकी वाली बकरियाँ हैं। तो जल्दी से जाते हैं यार और इसको वहाँ पर छोड़ते हैं, क्योंकि इसके पेट के अंदर बच्चे हैं यार, बेचारी डिस्टर्ब हो रही होगी। तो जा रहे हैं यार अब उसी घर। जूते भी खराब कर दिए यार इसने। ओए हो ले जो इसको घर में ले जाओ। बाय 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 बाय। यार मैं बहुत खुश हूँ, हमारी बकरियाँ आ चुकी हैं जो कि अब सारी की सारी गोट फार्म में जाएंगी। और फिर हमारे गोट फार्म में हर वक्त बकरियों की आवाज़ें, छत पर बकरियों की आवाज़ें, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों हम थोड़ी देर के बाद मुल्तान के लिए रवाना होंगे, तो अभी हम तैयारी शारी कर लेते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल शहर में दियात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।